हेलो दोस्तों, आज आया हमारा नंबर पोर्ट्रेट सीरीज का डे 9। आज हम कुछ इस तरह का नंबर पोर्ट्रेट बनाएंगे, तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नया कैनवस क्रिएट करेंगे। शॉर्टकट है कंट्रोल एन, कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करोगे तो हमारा इस तरह का न्यू डॉक्यूमेंट का पैनल ओपन हो जाएगा। साइड मैंने रखा हुआ है 1000 विड्थ और 1000 हाइट, ये पिक्सल में रखा हुआ है। क्रिएट पर क्लिक कर लेंगे तो हमारा इस तरह का न्यू कैनवस क्रिएट हो जाएगा। कंट्रोल 0 से इसका जूम आउट कर लेंगे। फिर हम इसके ऊपर अपना नंबर टाइप करेंगे। उसके लिए टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट है टी, कीबोर्ड से टी प्रेस करोगे तो टाइप टूल सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हम इसके ऊपर अपना नंबर टाइप कर लेंगे, उसका कलर थोड़ा चेंज कर लेंगे, ओके पर क्लिक कर लेंगे, टिक आइकन पर क्लिक कर लेंगे, कंट्रोल टी से इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरह से। कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर लेंगे या फिर इस टिक आइकन पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम इस टेक्स्ट को सेंटर लाइन करेंगे। उसके लिए हम बैकग्राउंड लेयर को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी की हेल्प से हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन और वर्टिकल सेंटर लाइन कर लेंगे। फिर हम इसके ऊपर अपना फोटो लेकर आएंगे। उसके लिए जाएंगे फाइल में और प्लेस पर क्लिक कर लेंगे, अपना फोटो सेलेक्ट करेंगे, प्लेस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे तो हमारा फोटो प्लेस हो जाएगा। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे कि हम कैसा टेक्स्ट में दिखाना चाहते हैं, उसके हिसाब से इसकी ओपेसिटी थोड़ी डाउन कर लेंगे, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरह से। मैं इस पर एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर हम इसकी ओपेसिटी फिर से 100 कर लेंगे, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे। फिर हम फिर से कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर लेंगे। फिर हम इस लेयर को रास्टराइज कर लेंगे। उसके लिए राइट क्लिक और रास्टराइज लेयर पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम इस फोटो का सिलेक्शन बनाएंगे। उसके लिए जाएंगे सिलेक्ट में और सब्जेक्ट पर क्लिक कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन बन जाएगा। आप पेन टूल या लासो टूल से अच्छे से सिलेक्शन बनाएं। फिर हम इसको यहाँ से भी ठीक कर लेंगे। फिर हम लासो टूल सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट है शिफ्ट एल, कीबोर्ड से शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो हमारा लासो टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अपना सिलेक्शन ऐड कर लेंगे। उसके लिए शिफ्ट होल्ड करेंगे और सिलेक्शन ऐड कर लेंगे इस तरह से। फिर हम कंट्रोल 0 प्रेस कर लेंगे और इसके ऊपर मास्क अप्लाई कर लेंगे, मास्क आइकन पर क्लिक कर लेंगे कर तो हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। फिर हम इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे कंट्रोल जे से और नीचे वाली फोटो वाली लेयर को नंबर के साथ क्लिप बना लेंगे। उसके लिए राइट क्लिक और क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर लेंगे तो हमारा जो नीचे वाला लेयर है वो टेक्स्ट के साथ क्लिप बन जाएगा। फिर हम इस नंबर का सिलेक्शन लोड करेंगे। उसके लिए कंट्रोल होल्ड करेंगे, अपना कर्सर इस नंबर के थंबनेल पर लेकर जाएंगे जहां पर टी लिखा हुआ है और माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन लोड हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट आई से इसको इन्वर्स कर लेंगे। फिर हम ऊपर वाली फोटो का मास्क सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रश हम रखेंगे हार्ड ब्रश और इस तरह से हम कर लेंगे इसको। कंट्रोल डी से इसको सिलेक्शन को टी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम इस नंबर के ऊपर स्ट्रोक इनर शेडो और ड्रॉप शेडो ऐड करेंगे। उसके लिए जाएंगे लेयर स्टाइल ऑप्शन में, एफएक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्लेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे तो हमारा इस तरह का लेयर स्टाइल का पैनल ओपन हो जाएगा। इसमें से स्ट्रोक पर क्लिक कर लेंगे, आप सेटिंग देख सकते हो। फिर हम इनर शेडो पर क्लिक कर लेंगे, आप इसकी भी सेटिंग देख सकते हो। फिर हम ड्रॉप शेडो पर क्लिक कर लेंगे, आप इसकी भी सेटिंग देख सकते हो। इसको सेम भी रख सकते हो सेटिंग को और आप चेंज भी कर सकते हो, ओके पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम इसके नीचे में बैकग्राउंड ऐड करेंगे। उसके लिए बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करेंगे और एडजस्टमेंट लेयर ऑप्शन में जाएंगे और क्लिक कर लेंगे ग्रेडियंट पर तो हमारा ग्रेडियंट फिल का पैनल ओपन हो जाएगा। ग्रेडियंट यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके सामने में जो बॉक्स है उसके अंदर में क्लिक करेंगे तो हमारा ग्रेडियंट एडिटर पैनल ओपन हो जाएगा। इसमें से मैं ये ग्रे वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लूंगा, इसमें से ग्रेड यही वाला क्लिक कर लूंगा, ग्रेडियंट पिक कर लूंगा, ग्रेडियंट ओके पर क्लिक करेंगे। फिर हम इसका स्टाइल कर लेंगे रेडियल और स्केल को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो नंबर पोर्ट्रेट डिजाइन है वो रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर ज्यादा अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर और भी ज्यादा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए नंबर पोर्ट्रेट के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।